उत्तर प्रदेश मदरसा मिनी आईटीआई लिखित परीक्षा विद्यालय के व्यवस्थापकों द्वारा कड़ी निगरानी में सकुशल संपन्न हुआ। मियां साहब इस्लामी इंटर कॉलेज में परीक्षा दे रहे विभिन्न मदरसों से कुल 178 परीक्षार्थियों में से 151 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, जबकि 27 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। द्वितीय पाली में मदरसा अंजुमन खूनीपुर, मदरसा जामिया राजवे मिराजुल उलूम चिल्मापार, दारुल उमन हुसैनिया इमामबाड़ा दीवान बाजार और नूरिया खैरिया बघई भारी पीपीगंज से कुल पंजीकृत 44 परीक्षार्थियों में से 34 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, जबकि 10 अनुपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मियां साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज के केंद्र व्यवस्थापक जफर अहमद खान और परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों ने कहा। मदरसा मिनी आईटीआई और पेपर बहुत अच्छा हुआ है और इस वक्त जो सेकंड टाइम में जो पेपर हुआ है वो ड्राइंग पेपर हुआ है और बहुत अच्छा हुआ है और बहुत हम लोग मेहनत किए थे इंशाल्लाह और इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। ये मिनी आईटीआई का जो है ड्राइंग पेपर था और बहुत मेहनत से हम लोगों ने दिया और काफ़ी टाइट थी सिचुएशन, गार्डिंग वगैरह बहुत अच्छी हो रही थी और जो भी चीज़ें थी सबको हम लोगों ने फॉलो किया और हम लोग यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है जल्द से जल्द ये सर्टिफिकेट हम लोगों को दे ताकि हम लोगों ने जो मेहनत किया उसका फल दिखाई दे, उसकी उसको वैल्यू दे, अप्रूव करे। आज विगत कई दिनों से जो अरबी फारसी बोर्ड उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं जो चल रही थीं उन परीक्षाओं में मिनी आईटीआई की परीक्षा का आज अंतिम दिन था। दोनों मीटिंग में आज परीक्षा हुई है और दोनों मीटिंग मिला करके 178 स्टूडेंट्स आज इनरोल्ड थे, जिसमें से 27 स्टूडेंट्स एब्सेंट रहे और कुल 151 परीक्षार्थियों ने आज परीक्षा दी है। परीक्षा सुचारू रूप से शुचिता के साथ और पवित्रता के साथ और नकल विहीन परीक्षा आज संपन्न हुई और सरकार की मंशा के अनुरूप परीक्षा कराने में हम सफल रहे। आज ये परीक्षा जो है वो पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है।